रायबरेली में खेलो इंडिया मसाल रैली का रायबरेली में रोटरी क्लब द्वारा किया भव्य स्वागत। खेलो इंडिया के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निकाली गई मसाल रैली का रायबरेली में रोटरी क्लब द्वारा भव्य स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुधा सिंह, लक्ष्मीबाई अवार्ड प्राप्त राष्ट्रीय खिलाड़ी डिम्पी तिवारी, मसाल लीडर हरिओम सिंह के नेतृत्व में मसाल यात्रा सुपर मार्केट पहुंची, जहां पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, सचिव संजय श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष राजीव भार्गव, वीएन गुप्ता, ऋषि अग्रवाल, सुशांत टंडन, राकेश कक्कड़, करुण कंसल, पुरुषोत्तम गुप्ता द्वारा सामूहिक रूप से मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया। मसाल यात्रा में शामिल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का स्वागत करने के उपरांत रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार यूनिवर्सिटी स्तर पर खेलों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 को लॉन्च किया, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और जागरूक करना हर नागरिक का कर्तव्य है। रायबरेली में जिला प्रशासन और खेल विभाग द्वारा मसाल रैली के स्वागत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला क्रीड़ा अधिकारी शवेंद्र सिंह चौहान का सहयोग सराहनीय रहा। इस अवसर पर समाज सेवी महेंद्र अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम अधिकारी पवन गुप्ता ने मसाल यात्रा का स्वागत करने वाले रोटरी क्लब के समस्त पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। मैं अरविंद श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल आई थी यहाँ पर रायबरेली में। पूरे उत्तर प्रदेश में ये मशाल जा रही है। आज जनपद रायबरेली में आई थी, जिसका कि स्वागत रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों ने सुपर मार्केट में किया। कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे? कार्यक्रम में रोटरी क्लब के समस्त पदाधिकारी शामिल थे, साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय धाविका हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं, सुधा सिंह और रायबरेली की रहने वाली भी हैं, साथ में डिम्पी तिवारी जो कि लक्ष्मीबाई अवार्डी हैं, और इसके अतिरिक्त हरिओम सिंह जो कि मशाल के लीडर थे, ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। और वो बहुत बड़ी रैली यहाँ पर निकली थी, जिसका कि स्वागत रोटरी क्लब के लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और भारत सरकार ने एक खेल को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ गेम्स का जो ये कार्यक्रम रखा है, 25 मई से कार्यक्रम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज यहाँ पर मशाल रैली आई थी, इसका कि स्वागत रोटरी क्लब के लोगों ने किया है। सर, क्या परिचय आपका? मैं अरविंद श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। सर, क्या कार्यक्रम हुआ था आज सुबह? ये 25 मई से पूरे इंडिया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है, जिसमें कि हमारे जो भी रायबरेली खिलाड़ी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश खिलाड़ी हैं उसमें भाग लेंगे। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी की ये मशाल रैली आज यहाँ पे आई थी रायबरेली में, जिसका कि स्वागत रोटरी क्लब की तरफ से हम लोगों ने सुपर मार्केट में किया है। सर, कौन कौन लोग सम्मिलित थे इस पे? इसमें हमारे रायबरेली की शान सुधा सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय धाविका हैं, और साथ में डिम्पी तिवारी जो कि लक्ष्मीबाई अवार्डी हैं, और हमारे जो है इसके मशाल के जो लीडर थे वो थे हरिओम सिंह जी थे, और जिला क्रीड़ा अधिकारी हरवेंद्र सिंह चौहान जी थे। काफ़ी बड़ी रैली थी, जिसका स्वागत सुपर मार्केट में रोटरी क्लब की तरफ से किया गया है।